आवास सब्सिडी योजना अब केवल 6 लाख रुपए की आय वाले वर्ग के लोगों और 30 लाख रुपए तक कीमत वाले घरों के लिए ही एलईजी वर्ग में 31 मार्च 2020 तक शुरू रहेगी। ऐसी जानकारी क्रेडाई नागपुर मेट्रो के अध्यक्ष विजय दरगन ने गुरुवार को आयोजित पत्र परिषद में दी। इसके तहत घर खरीदने वालों को 2,67,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत अंतिम 6 माह में नागपुर में 5 से 6,000 घरों की बिक्री होने की संभावना क्रेडाई नागपुर मेट्रो के अध्यक्ष विजय दर्पण ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी। सचिव गौरव अग्रवाला ने कहा कि योजना के तहत MIG 1 और MIG 2 के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2021 को ही समाप्त हो गई है। नागपुर में अब तक 5,000 लोगों को सब्सिडी का फायदा मिला है। ड्यूटी में कटौती का लाभ भी लोगों ने लिया है। बैंकों का ब्याज दर भी कम है। घर लेने का फैसला करने के बाद प्रक्रिया को 3 महीने लगते हैं, इसलिए लोगों को त्योहार के दिनों में खरीदी करनी चाहिए। पूर्व अध्यक्ष महेश साधवानी ने कहा कि यह सब्सिडी आगे जारी रहेगी या नहीं यह बताया नहीं जा सकता, हालांकि इसके लिए हम प्रयासरत है। 1 अप्रैल 2022 से मेट्रो सेस 1% लगेगा, जिससे 7% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। पत्र परिषद में क्रेडाई नागपुर मेट्रो के उपाध्यक्ष आशीष लोंडे व विजय सिंह ठाकुर, HDFC के रजनीश विजय शाहू, यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक नरेंद्र सम्यक, स्टेट बैंक के प्रफुल्ल जोशी व शिरीष पुसतकर और क्रेडाई नागपुर मेट्रो के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये प्रधानमंत्री PVM जो है वो PMAY खत्म होने आ रहा है 31/3/2022 को, तो वो ख़त्म होने से पहले सब लोगों ने उसका बेनिफिट ले लेना चाहिए। जो लोग एलिजिबल हैं, हम ये चीज़ अवेयरनेस सबको लाना चाहते हैं। बैंक को तरफ से इसमें सब्सिडी 2,60,000 के करीब मिल रही है, वो सब ने अवेल करनी चाहिए जो इस पीरियड में फ्लैट बुक करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। सब्सिडी का लाभार्थी जो 6 लाख से अंदर की इनकम वाले हैं वही लोग इसमें लाभ ले सकते हैं सब्सिडी का, और वो 40 स्क्वायर मीटर से नीचे उसका फ्लैट का साइज होना चाहिए। मैं क्रेडाई नागपुर मेट्रो की तरफ से विजय, कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।